हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो एंड द टॉपिक ऑफ आवर टुडे वीडियो इज स्क्रू डिसलोकेशन। इज स्क्रू डिसलोकेशन दैट इज अ टाइप ऑफ लाइन डिफेक्ट। वी हैव स्टडीड लाइन डिफेक्ट इज ऑफ टू टाइप। द फर्स्ट वन इज एज डिसलोकेशन एंड द सेकेंड वन इज स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक है, सो दिस इज the line defect, because we are studying here the line defect। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, line defect के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले समझते चलते हैं फिर लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक perfect cubic की structure बनाते हैं पहले हम। ठीक है, पहले तो मैं एक structure draw करती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम हमारी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है भाई, पहले हम क्या बना रहे हैं, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मैं पहले बना देती तो फिर आप ये सोचते कैसे बना दी, नहीं बने, है ना। तो हम पहले क्या बना रहे हैं, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये हम क्या बना रहे हैं, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले फिगर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है भाई। तो अब देखो इसमें क्या किया है, ये आपने एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की। ठीक है, ओके, ऐसे इधर भी है। ठीक है ना, ये बना लोगे आप। ओके, ठीक है, तो ये हमने क्या बनाई है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाई है। ठीक है भाई, अब इसमें देखो इसमें क्या है, आपके एटम सिचुएटेड है हर यहाँ पे, जितने भी जो आपकी इंटरसेक्शंस हैं उन पे क्या प्रेजेंट है, आपके एटम। सभी पे दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ दिखा दी। ठीक है, यहाँ पे एटम, ये क्या है आपकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एक, जिसमें क्या है हर इंटरसेक्शन पे एटम्स प्रेजेंट है। तो अगर आप इसको उठाओगे, सिर्फ ये उठाई, तो ये एक क्या बनी मिलेगी आपको, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगी, जिसमें क्या होंगे एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे, क्योंकि एटम्स सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे। तो ये सब क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स मिलके क्या बना रही है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, तो ये फिगर किसकी, आपकी एक परफेक्ट सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है। ठीक है, जिसमें हमने क्या माना है, एटम्स कहाँ पे हैं, हर इंटरसेक्शन साइड्स पे। ठीक है, तो सभी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है एटम्स की मिलके, वो क्या बना रही है आपके, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल है। ठीक है भाई, ये आपका क्या है, फिगर जो आपकी वन है, ये क्या है आपकी, एक परफेक्ट क्रिस्टल है। ठीक है, अब हमें तो क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है डिफेक्ट, डिसलोकेशन, और कौन सा, स्क्रू डिसलोकेशन। तो अब हमें इसके अंदर डिसलोकेशन क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगी जो है, ठीक है, तो डिसलोकेशन क्रिएट करने के लिए इस क्रिस्टल के अंदर, और कैसा क्रिएट करना है आपको, स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें एक प्लेन चूज करूँगी। ठीक है भाई, देखो जो आपने एज डिसलोकेशन पढ़ा था उसमें तो कैसा प्लेन चूज किया था हमने, कैसे किया था उसका, लेफ्ट या राइट स्लिप लिया था, है ना, लेफ्ट साइड में थोड़ा स्लिप करवा दिया था, अपर पार्ट को लोअर को फिक्स रखा था। अब हम क्या करेंगे, देखो देखो स्क्रू में और एज डिसलोकेशन में यही एक मेन फर्क है, लास्ट में जो है कंपैरिजन करेंगे तब समझ जाओगे। उसमें क्या करते हैं,
चलो वो बाद में ही करेंगे, कंपैरिजन जो मेन है ना उससे आपको समझ में, बाद में लास्ट में बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चूज करना पड़ेगा, एक प्लेन। तो मेन बात है उस प्लेन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो मैंने मान लो ये एक प्लेन चूज किया है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है भाई। मैंने क्या किया है, एक प्लेन चूज किया। अगर मैं थ्री डायमेंशन में बनाऊंगी तो आपका ये प्लेन कुछ यही होगा, है ना, एक्सटेंड कर दिया। तो मैंने क्या किया, ये एक प्लेन चूज किया, ठीक है भाई। ये क्या चूज किया है मैंने, एक प्लेन। इस प्लेन के अबाउट क्या करूँगी मैं, इसको स्लिप करूँगी, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक प्लेन चूज किया, ठीक है, प्लेन चूज कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो इस प्लेन ने क्या कर दिया, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दो हाफ में डिवाइड कर दिया। ये कौन से वाला, इसको मान लो लेफ्ट हाफ या लेफ्ट रीजन, और ये कौन सा हो गया आपका राइट रीजन, है ना। क्या कर दिया इस प्लेन ने, आपके स्ट्रक्चर को दो स्लिप्स, दो प्लेन्स में, दो हाफ पोर्शन में कट कर दिया, एक राइट हाफ और एक लेफ्ट हाफ, ठीक है। अब हमें क्या क्रिएट करना है इसमें, देखो क्योंकि डिसलोकेशन, डिसलोकेशन के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक डिसलोकेशन लाइन, है ना, डिसलोकेशन लाइन आती है ना, क्योंकि डिसलोकेशन लाइन ही क्या होती है, आपकी एक बाउंड्री होती है। आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि डिसलोकेशन लाइन एक बाउंड्री होती है, किसके बीच में, बिटवीन द स्लिप्ड रीजन एंड द अनस्लिप्ड रीजन, है ना, ओके। अब देखो अगर मैं ये करूँ कि मैंने इस, ये जो आपने ये प्लेन चूज किया है, हमें क्या करना है, स्लिप करवाना है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड किसी एक को। तो मान लो अगर मैंने राइट को क्या किया, नीचे की तरफ स्लिप करवाया, और किसके रेस्पेक्ट में, लेफ्ट रीजन की तरफ में। तो देखो अगर मैं कंप्लीट को तो स्लिप करवा दूंगी तो डिस्टोर्शन प्रेजेंट, स्क्रू डिसलोकेशन नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अगर हम इसको कंप्लीट को, मतलब देखो ये राइट रीजन है, ये लेफ्ट, अगर मैं इस राइट वाले को, इस प्लेन के, इसके ये प्लेन है, ठीक है, अगर मैं राइट वाले को पूरे को नीचे ले आऊंगी, है ना, क्या करवा दूंगी, इसको डिस्प्लेस करवा दूंगी, पुश कर दूंगी, किससे, इंटर एटोमिक सेपरेशन से, पूरे को। अगर मैं पूरे राइट पोर्शन को लेफ्ट के रेस्पेक्ट में स्लिप करवा दूंगी तो स्क्रू जो है आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपका क्या नहीं होगा, स्क्रू डिसलोकेशन अपीयर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, एक क्योंकि डिसलोकेशन, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो डिसलोकेशन चेक करना है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले एक डिसलोकेशन लाइन चाहिए होगी, क्योंकि डिसलोकेशन लाइन क्या होती है, आपका रीजन होता है किसके बीच में, स्लिप्ड रीजन के बीच में और अनस्लिप्ड। अब देखो इसका मतलब आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक डिसलोकेशन लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या बना दो, इसमें एक डिसलोकेशन लाइन बना दो। ये प्लेन था ना, इस पर क्या बना दी मैंने, ये ब्लैक कलर से जो बनाई है, देखो ये बनाई है, ठीक है। ये क्या बना दी मैंने इस पे, ये क्या है आपकी डिसलोकेशन लाइन, ठीक है भाई। और डिसलोकेशन लाइन में क्या होता है आपका, देखो इसमें भी दो फेस हो, अब देखो डिसलोकेशन लाइन की वजह से, ये मान लो इसको नाम दे रहे हैं हम फ्रंट फेस और इसको नाम दे रहे हैं बैक फेस, ठीक है। डिसलोकेशन लाइन के बाद हमारे पास प्लेन के दो फेस हो गए, एक फ्रंट फेस हो गया और एक बैक फेस। अब डिसलोकेशन लाइन क्या होती है आपकी, एक बाउंड्री होती है बिटवीन द स्लिप एंड द अनस्लिप रीजन, है ना। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, फ्रंट को फिक्स रखेंगे, उसके रेस्पेक्ट में बैक को क्या करवाएंगे, स्लिप करवा देंगे, ठीक है, है ना। हम क्या नहीं कर रहे, कंप्लीट प्लेन को स्लिप नहीं करवा रहे, क्योंकि आपने पढ़ा था जब डिसलोकेशन पढ़ा था, एज डिसलोकेशन में स्लिप पढ़ा था, तो आपने क्या देखा था कि एक एक्स्ट्रा प्लेन जो था वो क्या था, एक्सटेंड आपका हैंग्ड था, है ना। कंप्लीट प्लेन की वजह से क्या नहीं हो रहा था आपका, डिसलोकेशन नहीं हो रहा था, बल्कि आपका क्या था, हाफ पोर्शन, हैंगिंग पोर्शन की वजह से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये क्या है डिसलोकेशन लाइन, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट फेस को फिक्स रखेंगे और क्या करेंगे, इसके बैक फेस को क्या करवाएंगे, स्लिप करवाएंगे, ठीक है। और स्लिप कैसे करवाएंगे, इस तरीके से स्लिप करवाएंगे कि जो आपका स्लिप है ना वो कन्फाइंड होगा किसके, सिर्फ इस फ्रंट फेस के साथ, ठीक है। स्लिप विल बी कन्फाइंड अराउंड द फ्रंट फेस, ठीक है। हमने क्या किया, बैक फेस को फिक्स रखा, कुछ भी कर सकते हो, फ्रंट को फिक्स रख लो, बैक को करवा लो, बैक को फिक्स रख लो और फ्रंट को, ठीक है, आपकी मर्जी है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो हमने क्या किया, बैक पोर्शन को तो फिक्स रखा, अब मैं क्या करूंगी, फ्रंट को स्लिप करवाऊंगी किसके रेस्पेक्ट में, बैक के में, किस तरीके से कि जो हमारा जो स्लिप है ना वो किसके अराउंड कन्फाइंड होगा, फ्रंट के अराउंड, ठीक है। तो मतलब आपका जो फिगर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो, ठीक है, दोबारा से बता दूंगी अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर भी एक बार, ठीक है। तो देखो अब मैं बनाने की कोशिश करती हूँ कि मैंने किस तरीके से स्लिप करवाया है, देखो फिगर को समझना मेन, ठीक है, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं ना, फिगर अच्छे से क्लियर दिख जाए, ओके।
अब हम आफ्टर स्लिप, जब हमने स्लिप करवाया उसके बाद देखो कैसी फिगर बनेगी आपकी। आफ्टर स्लिप के बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, अपने फिगर को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके ये मान लो, ठीक है, फिगर क्लियर बनाना, क्योंकि फिगर से ही समझ में आएगा, क्लियर होगा आपकी पिक्चर जो है, ठीक है। जितना फिगर क्लियर होगा पिक्चर उतनी ही क्लियर माइंड में होगी, ठीक है। ओके क्या मैं इसको फिगर को कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। क्या कर रहे हैं, आफ्टर स्लीपिंग फिगर को पहले कंप्लीट बना लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा इजीली इसी के हमने क्या किया है, ठीक है। ठीक है ओके, अब इस फिगर को ठीक से कर देते हैं, ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं, फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किया क्या है एग्जैक्टली, ठीक है भाई। ये ऐसे वैसे आप कंप्लीट बना सकते हो इस स्ट्रक्चर को, ओके। ये जस्ट फिगर कंप्लीट करनी है अब आपको, ये लाइन सीधी खींच लेना है ना, टेढ़ी हो रही है थोड़ी, ठीक है। तो देखो ये किया हमने, देखो अब तुम्हें नज़र आ रहा होगा, है ना, अच्छे से इसको मैं बना देती हूँ। ये देखो, दिखा कुछ फर्क, है ना। देखो हमने क्या किया, ये तो आपकी क्या है वो, देखो ये तो आपने क्या लिया था, एक प्लेन चूज किया था। ये तो क्या था, बीच वाला ये जो है, ये मैंने पेंसिल रखी है ना, ये तो क्या लिया था, एक प्लेन लिया था। इस प्लेन ने क्या कर दिया था इसको, दो रीजन में, एक राइट रीजन और एक लेफ्ट रीजन, ऐसा ही था। फिर आपने क्या किया था, एक डिसलोकेशन लाइन ली थी ऐसे, ये पेंसिल जो खड़ी है ऐसे, है ना, डिसलोकेशन लाइन ली थी। डिसलोकेशन लाइन ने क्या किया, इस जो प्लेन था आपका, इसको दो फेस में कन्वर्ट कर दिया, एक फ्रंट फेस और एक बैक फेस। फिर हमने क्या किया, क्योंकि हम स्क्रू डिसलोकेशन क्रिएट करना था, तो हमने क्या किया भाई, हमने किया कि इसके फ्रंट फेस को थोड़ा स्लिप करवा दिया, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में, बैक वाले, बैक स्लिप नहीं होगा, सिर्फ कौन सा होगा, फ्रंट वाला, ठीक है ओके। तो हमने ये काम किया, आ गया ना, देखो दिखा, केवल फ्रंट पोर्शन स्लिप हुआ है, बैक वाला नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आप दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, यहाँ पे डिसलोकेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस डिसलोकेशन को क्या नाम देते हो आप, स्क्रू डिसलोकेशन। और वो भी क्यों देते हैं वो भी बताएंगे, देखेंगे अब हम, ठीक है। तो पहले फिगर से क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, काफ़ी हद तक आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे इस फिगर को कंप्लीट कर लेना, ठीक है भाई, आ गया समझ में। तो देखो हमने किया क्या, मैं फिर से शुरू से बता देती हूँ एक बार। हमने एक परफेक्ट क्रिस्टल लिया, ठीक है। परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर हमने क्या किया, एक प्लेन चूज किया। अब यूँ कहोगे हमने ये ऐसे ही प्लेन क्यों चूज किया, है ना, हमने ये वर्टिकल क्यों चूज किया, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं लिया, वो चीज़ भी बाद में बताऊंगी मैं, ठीक है। तो हमने एक प्लेन चूज किया, इस प्लेन ने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर को दो हाफ में डिवाइड कर दिया, राइट रीजन और लेफ्ट रीजन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक बाउंड्री ली, क्यों, क्योंकि हमने पता है कि जो है आपका बाउंड्री नहीं, पहले क्या बोलोगे, डिसलोकेशन लाइन ली, क्यों, क्योंकि हमें पता है डिसलोकेशन लाइन क्या करती है, आपकी प्लेन को किसके दो हाफ में डिवाइड करती है, कौन कौन से में, एक स्लिप रीजन में और एक अनस्लिप रीजन में, ठीक है भाई। अब हमने वो प्लेन डिसलोकेशन लाइन चूज की, तो हमारा जो प्लेन था वो दो हाफ में डिवाइड हो गया, एक फ्रंट पोर्शन और एक बैक पोर्शन, ठीक है। अब हम कंप्लीट तो क्या नहीं करेंगे, इसको स्लिप नहीं करवाएंगे, क्यों, कंप्लीट स्लिप करवाने से हमारा स्क्रू डिसलोकेशन नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फ्रंट पोर्शन को स्लिप करवाएंगे, मतलब हाफ पोर्शन को स्लिप करवाएंगे, और हाफ को क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे, ठीक है। तो जब हमने स्लिप करवाया तो हमारी फिगर ये हो गई, आ गई बात समझ में। और हमने स्लिप कैसे करवाया है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो स्लिप है, वो कन्फाइंड हुई रही है किसके अराउंड, अबाउट द फ्रंट साइड, ठीक है। चाहे तो लिख सकते हो, एक मिनट, पेंसिल लिख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, द स्लिप इज कन्फाइंड, स्लिप इज सच दैट
स्लिप इज कन्फाइंड, किसके कन्फाइंड, अबाउट द फ्रंट प्लेन, अबाउट द फ्रंट साइड, ठीक है, या फ्रंट प्लेन के अराउंड आपका क्या है, स्लिप कन्फाइनमेंट है, ठीक है, ये आपकी क्या है, डिसलोकेशन। तो देखो अब आपका क्या हो गया भाई, ये कौन सा रीजन हो गया, स्लिप्ड रीजन, और ये कौन सा हो गया, अनस्लिप। तो इसमें अगर दिखाओगे तो फ्रंट कौन सा है आपका, स्लिप रीजन, और बैक कौन सा है आपका, अनस्लिप रीजन, ठीक है, और डिसलोकेशन लाइन क्या है, बाउंड्री है बिटवीन द स्लिप एंड अनस्लिप। तो ये कौन सा पोर्शन है आपका, स्लिप रीजन है ना, और ये कौन सा, ये पीछे वाला, ये आपका अनस्लिप्ड रीजन है, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यही तो क्या है, ये आपका राइट पोर्शन था और ये कौन सा था, लेफ्ट पोर्शन था, ठीक है, राइट को सिर्फ हाफ पोर्शन को, फ्रंट वाले को, बैक वाले को नहीं किया, ठीक है। तो हमारी फिगर कुछ ऐसी आ गई, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया है, हेयर, ठीक है, लिख सकते हो, सो हेयर हमने क्या किया है, राइट हाफ रीजन इज स्लिप्ड, राइट हाफ रीजन इज स्लिप्ड किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, द लेफ्ट हाफ स्लिप, विद रेस्पेक्ट टू द लेफ्ट हाफ रीजन, ठीक है, बट लेकिन क्या है, बट स्लिप इज कन्फाइंड, बट स्लिप इज कन्फाइंड ओनली, कन्फाइंड ओनली किधर कन्फाइंड है, ओनली टू द फ्रंट ऑफ द बाउंड्री, ओनली टू द फ्रंट ऑफ द बाउंड्री, किसको बोल रहे हो, डिसलोकेशन लाइन को, ठीक है। तो आपका क्या आया, स्क्रू डिसलोकेशन, और साथ में है ना, एंड द स्लीपिंग इज, एंड द स्लीपिंग इज ऑफ इन इक्वल टू कितनी की है, इंटर एटोमिक स्पेसिंग, इंटर एटोमिक स्पेसिंग के बराबर, ठीक है, हमने क्या की है, स्लिपिंग की है, ठीक है भाई। तो देखो हमने क्या यही किया है ना, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, स्क्रू डिसलोकेशन हो गया, ठीक है। आपने स्लिपिंग किधर की है, देखो आपका यही है ना, देखो ये जो डिसलोकेशन लाइन होती है इसके बारे में कौन बताता है आपका, टेंजेंट वेक्टर, पढ़ा था आपने, तो ये डायरेक्शन तो किसकी है आपकी, टेंजेंट वेक्टर की है ना भाई। डिसलोकेशन लाइन किधर ओरिएंटेड है, इनवर्ड, मतलब ऐसे ही है ना, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये किसकी डायरेक्शन है आपकी, इसके केस में यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर की, क्योंकि टेंजेंट वेक्टर टी कैप की, टेंजेंट वेक्टर किसके बारे में, टी की है ना, ये किसके बारे में बताता है आपको, डिसलोकेशन की ओरिएंटेशन के बारे में। तो ये टोटल डायरेक्शन है आपकी किसकी, डिसलोकेशन लाइन की, मतलब टेंजेंट वेक्टर की। और स्लिप किधर किया है आपने, डाउनवर्ड, स्लिप किधर किया है, नीचे की तरफ, या ऊपर की तरफ भी कर सकते हो, लेकिन इस फिगर में हमने किधर किया है, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब स्लिप हमने किधर किया है, इधर। और स्लिप की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना है, ए है ना, इंटरएटॉमिक सेपरेशन, मतलब ये इतनी है ना इंटरएटॉमिक सेपरेशन, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, बी वेक्टर है ना, क्योंकि बी स्लिप की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में कौन बताता है, बर्गर वेक्टर है ना। और डायरेक्शन किसकी, डिसलोकेशन लाइन की ओरिएंटेशन कौन बताता है, टेंजेंट वेक्टर, क्योंकि हमने पढ़ा है डिसलोकेशन के साथ दो वेक्टर एसोसिएट होते हैं, एक बर्गर वेक्टर और एक टेंजेंट वेक्टर। तो डिसलोकेशन की जो ओरिएंटेशन बताता है उसको क्या नाम देते हैं, टेंजेंट वेक्टर, और स्लिप की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताता है उसको क्या नाम देते हैं, बर्गर वेक्टर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो लिखोगे इन केस ऑफ स्क्रू डिसलोकेशन, इन केस ऑफ स्क्रू डिसलोकेशन, इसके केस में आपके क्या हैं, बर्गर टेंजेंट वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर एंड बर्गर वेक्टर, वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो स्क्रू डिसलोकेशन में जो बी वेक्टर है वो पैरेलल होता है किसके, टेंजेंट वेक्टर के, ठीक है भाई, ये चीज याद रखना, ठीक है। और जो हमने पीछे पढ़ी थी उसमें देखना ध्यान से, जो हमने क्या पढ़ा था, स्क्रू एज डिसलोकेशन, उसमें आपका देखो डिसलोकेशन लाइन तो इनवर्ड थी और जो स्लिप था वो ऐसे था, तो दोनों क्या थे वहां पे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मेन यही होता है, इसी की वजह से दोनों डिसलोकेशन अलग अलग होते हैं, एज डिसलोकेशन में टेंजेंट वेक्टर और बर्गर वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, स्क्रू डिसलोकेशन में टेंजेंट वेक्टर और बर्गर वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में यहां तक, स्क्रू डिसलोकेशन। अब हम पढ़ते हैं कि स्क्रू, इसको नाम क्यों दिया हमने, ये क्यों कहा इसको कि ये स्क्रू डिसलोकेशन है ना, वाई द नाम
बाई द नेम इज स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक है भाई, तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, मान लो हम यहाँ से शुरू हुए, ठीक है, ये बनाना मत समझाने के लिए, और हम क्या करते हैं सर्किट को कंप्लीट करते हैं, तो क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज चले, यूं आए, ठीक है, फिर हम यूं गए, ओके, फिर हम इधर आए, आए ना, फिर हम किधर आएंगे, इधर आएंगे, फिर हम किधर आएंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हम यहाँ पे रुक जाएंगे, हमने क्या देखा, हमने जहाँ से स्टार्ट किया था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कुछ था, लेकिन एंड कहाँ पे हुए, हम यहाँ पे, मतलब हम फर्स्ट प्लेन से स्टार्ट हुए थे और आके कहाँ पे रुके, सेकंड प्लेन पे। उसके बाद अगर नेक्स्ट करूँगी मैं फिर से क्लॉकवाइज तो क्या होगा, यहाँ से मतलब इधर से आओगे तो मान लो अगर नेक्स्ट करोगे तो कहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट प्लेन फिर यहाँ से आओगे, मतलब हर बार क्या हो रहा है आप अगले प्लेन पे जा रहे हो, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है लेकिन नेक्स्ट किस में आ रहे हो, उससे अगले वाले प्लेन में आ रहे हो। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम करे, एक स्क्रू की तरह। ठीक है, ये कैसा, ये आपने पेच देखा होगा ना, पेच में क्या होता है, पेच ऐसे ही तो होता है, नीचे से शुरू कर दो और ऊपर की तरफ जाओ तो अलग दूसरे प्लेन में जाते जाते हो। ठीक है, तो ये किसकी तरह, एक स्क्रू, तो क्यों नाम दिया गया, ठीक है, आगे बात समझ में, तो हम इसके बारे में भी लिखते हैं, वाई द नेम स्क्रू डिसलोकेशन, तो क्या लिखेंगे, जो पैरेलल प्लेन्स हैं वो क्या है आपके, परपेंडिकुलर, ये जो पैरेलल प्लेन्स है, ये प्लेन्स क्या है, पैरेलल प्लेन्स हैं सारे। ठीक है, तो वाई द नेम, नेम के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहीं पर लिख देती हूँ मैं, ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं हम, ओके, तो इसके बारे में क्या लिखोगे, लिखोगे द पैरेलल प्लेन्स, द पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डिसलोकेशन लाइन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है डिसलोकेशन लाइन के। ठीक है, प्लेन की बात, ये प्लेन है, ये प्लेन क्या है, इस पर डिसलोकेशन लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, द पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डिसलोकेशन लाइन ज्वाइन टू फॉर्म, क्या कर रहे हैं, ज्वाइन टू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस स्पाइरल, स्पाइरल रैंप, स्पाइरल रैंप ही बना रहे हैं कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है स्पाइरल रैंप, इसी को हम समटाइम्स क्या कह देते हैं, समटाइम्स कॉल्ड, समटाइम्स कॉल्ड ए हेलिकोइडल, ए हेलिकोइडल सरफेस। ठीक है, ओके, दैट्स व्हाई द नेम गिव स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक है, दैट्स व्हाई द नेम गिवन, द नेम इज स्क्रू डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, स्पाइरल बन रहा है, और जो स्क्रू, जो डिसलोकेशन लाइन है वो क्या है, इसकी एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस ऑफ स्पाइरल, तो लिखोगे एंड द डिसलोकेशन लाइन, द डिसलोकेशन लाइन इज द एक्सिस ऑफ द स्पाइरल, एक्सिस ऑफ द स्पाइरल। ठीक है, क्योंकि भाई देखो यही तो है, ये डिसलोकेशन यही तो है ना आपकी डिसलोकेशन लाइन अंदर की तरफ। ठीक है, और इसी के अराउंड क्या हो रहा है, आपका स्पाइरल हो रहा है। ठीक है, इसी के अराउंड स्पाइरल की फॉर्मेशन हो रही है, तो डिसलोकेशन लाइन क्या है आपकी, उस स्पाइरल की एक्सिस है। ठीक है भाई, तो आगे समझ में, स्क्रू डिसलोकेशन इसमें क्या होता है, दोनों ही टेंजेंट वेक्टर और बर्गर वेक्टर पैरेलल होते हैं, जबकि आपके एज डिसलोकेशन में दोनों ही क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में, ठीक है, ओके।